आज से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है। पहले दिन नव निर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे, जिसके बाद 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 27 जून को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन होगा। बीजेपी नेता और 7 बार के सांसद रहे भृतरी मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। ये सत्र कई मायनों में बेहद खास होने वाला है। सत्र 24 जून से शुरू होकर 3 जुलाई तक चलने वाला है और इन 10 दिनों के दौरान कुल 8 बैठकें होने वाली है। तो वहीं विपक्ष 10 साल में पहली दफा काफी ज्यादा मजबूती के साथ अपनी आवाज को बुलंद करता हुआ नजर आएगा। तो आज से 18वीं लोकसभा का पहला सेशन, पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले नव निर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे, ओथ सेरेमनी होगा। और पहले आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री काशी से बतौर सांसद यहां पे शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो आज का दिन बेहद खास और रोड शो भी रहने वाला है। सबकी निगाह टिकी होगी देश की सबसे बड़ी पंचायत पर। विपक्ष पूरी तैयारी के साथ आया है क्योंकि मुद्दों का भरमार है। नीट जैसे ज्वलंत मुद्दों को यहां पर उठाएगा विपक्ष, ये पूरी संभावना कहीं ना कहीं देखी जा रही है। भृतरी मेहताब को फिलहाल आपको बता दें कि प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। पहला सेशन आज से 18वीं लोकसभा सत्र का शुरू होने जा रहा है। तो 27 जून को दोनों सदनों की ये संयुक्त कार्रवाई होगी। इस बार का सेशन जो है काफी खास माना जा रहा है क्योंकि 10 सालों के बाद विपक्ष पूरी मजबूती के साथ आम जनता की आवाज को बुलंद करता हुआ नजर आएगा। 10 दिनों में कुल 8 बैठकें होनी है, लेकिन सबसे पहले देखिए यहां पे प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ दिलाते हुए नजर आएंगे। उसके बाद से स्पीकर का चुनाव होगा। तो लोकसभा सत्र का पहला दिन आज जो कि 3 जुलाई तक चलेगा, 10 दिन में कुल 8 बैठकें होंगी। हालांकि 29 और 30 जून को छुट्टी होगी। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर मेहताब राष्ट्रपति भवन जाकर शपथ लेंगे। इसके बाद वो करीब सुबह 11 बजे लोकसभा पहुंचेंगे। शुरुआत के 2 दिन यानी कि 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद से 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 27 जून को राज्यसभा का 264वां ये सत्र है और इसी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगी। इसके बाद से प्रधानमंत्री भी बोलेंगे और ये पहला सत्र है, लिहाजा मोदी सरकार विश्वास मत भी हासिल करेगी। सत्र के आखिरी 2 दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी और दोनों सदनों में चर्चा होगी।